महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के सिंहपुरी क्षेत्र में कुटुंबेश्वर महादेव 84 महादेवों में 14वें नंबर के महादेव हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन किया, उससे विष उत्पन्न हुआ। विष की ज्वाला से देव दानव घबरा गए। वे शिवजी के पास गए, उनसे विष रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब शिवजी ने मोर का रूप धारण कर उस विष को अपने गले में धारण कर लिया, परंतु विष से वो भी घबरा गए। उन्होंने गंगा से कहा कि तुम इस विष को लेकर समुद्र में प्रवाहित कर दो, परंतु गंगा ने मना कर दिया। तब यमुना सरस्वती आदि नदियों से पूछने पर उन्होंने भी मना कर दिया। तब शिवजी ने शिप्रा से कहा कि तुम इस विष को ले जाकर महाकाल वन में कामेश्वर के सामने स्थित लिंग में स्थापित कर दो। शिप्रा ने यह विष लिया और उस लिंग में डाल दिया। विष के प्रभाव से जो भी प्राणी उसका दर्शन करता मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वहां कुछ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने आए, उन्होंने उस लिंग के दर्शन किए और वह भी मर गए। तब हाहाकार मच गया। शिवजी ने उन ब्राह्मणों को पुनर्जीवित किया। तब उन ब्राह्मणों ने निवेदन किया, भगवान इस लिंग के विष के प्रभाव को दूर करो। तब शिवजी ने संसार के हित के लिए कहा, जब कायावरोहण से लकुलीश यहाँ आएंगे तब इसके विष का प्रभाव दूर हो जाएगा। फिर इसके दर्शन से कुटुंब की वृद्धि होगी और यह लिंग कुटुंबेश्वर के नाम से जाना जाएगा। तब लकुलीश ने आकर इस लिंग के विष के प्रभाव को दूर किया। जो मनुष्य आश्विन महीने की शुक्ल पंचमी को इस लिंग का दर्शन करता है, उसे पुत्र और धन धान्य प्राप्त होते हैं। इस लिंग के पास ही शिप्रा नदी और एक बावड़ी है। इस लिंग के दर्शन करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। रविवार, सोमवार, अष्टमी, चतुर्दशी को यहाँ शिप्रा में स्नान कर जो कुटुंबेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उसे 1000 राज सूर्य तथा 100 वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।